हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट एक रिकॉर्ड है जो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, जनरल लेजर में, जिससे कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम अलग अलग करके रख सकें। ठीक है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक जैसी नहीं होती हैं, तो बेस्ड अपॉन देयर नेचर एंड इट्स टाइप हम उसको अलग अलग तरीके से सॉर्टिंग और स्टोर करके रखते हैं, उसे कहा जाता है अकाउंट। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक है जिसे हम कह सकते हैं रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो रियल अकाउंट यूजुअली इसमें सारी टैंजिबल चीज़ें लिखी जाती है। अब टैंजिबल इसका मतलब क्या हो गया? टैंजिबल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, उसे कहा जाता है टैंजिबल। छू सकते हैं या जो टिकाऊ है, टैंजिबल इन द सेंस विच वी कैन टच एंड फील इज कॉल्ड एज टैंजिबल। तो ये रियल अकाउंट में सारी टैंजिबल चीज़ें लिखी जाती है। इसका जो हमारा रूल है, बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स, वो क्या कहता है? डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। इसका मतलब जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको आप डेबिट दो और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको आप क्रेडिट दो। एक सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो हमने सपोज वहाँ पे एक चेयर खरीदी, तो चेयर क्या हो रही है? चेयर हमारे पास आ रही है और हमारे पास से क्या जा रहा है? तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बेसिक रूल हो गया इन केस ऑफ रियल अकाउंट। रियल का मतलब वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, या कोई भी हमारी एसेट जो है वो रियल अकाउंट के पास नीचे आती है। ओके, हमारा पैसा वो भी रियल अकाउंट के तहत आता है। दूसरा टाइप जो हम लोग देख रहे हैं वो है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अब पर्सन से आपको पता चल गया, पर्सन मतलब नाम। जहां कहीं पे भी कोई भी नाम यूज किया जाता है वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट। ये किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है या किसी इंडिविजुअल का नाम हो सकता है। आप लोग देख लो, जैसे राधा, मोहन, श्याम, या फिर हमारे तो बैंक के भी नाम है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या हमारे एयरलाइंस के भी नाम है, जेट एयरवेज। तो जहाँ कहीं पे भी नाम आता है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, उनके भी नाम है, तो वो पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। पर्सनल अकाउंट का जो हमारा रूल है वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको मिल रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको रिसीव कर रहे हो तो आपको डेबिट किया जाएगा, और मैं दे रही हूँ तो मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। याद रखिए, पर्सनल बोला तो ये यहाँ पे किसी इंसान, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसका कोई तो भी नाम है। ओके, जो या तो कोई चीज़ ले सकता है या कोई चीज़ दे सकता है। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट जो हम लोग देखते हैं वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो इसमें ये सारे टेम्प्रेरी खर्चे की और इनकम की अकाउंट होती है। इसमें हम ले सकते हैं जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स का मतलब होता है फायदा। ओके, तो यहाँ पे कहता है कि आप डेबिट वो सारे खर्चे को और नुकसान को दीजिए, और क्रेडिट किसे देंगे? जो भी आपकी आमदनी है या जो भी आपको फायदा हो रहा है उन सबको आप क्रेडिट दीजिए। इसका मतलब
आप डेबिट खर्चा करोगे, जैसे अगर मैंने बाजार से जाके कोई पेन पेंसिल खरीदी तो वो हो जाएगा हमारा खर्चा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो मैं लिखूंगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम क्या देंगे, डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, इसका मतलब अगर मैं कहीं पे नौकरी करती हूँ और मुझे वहाँ से पगार मिलता है तो वो मेरी इनकम हो जाएगी, उसे हम कहेंगे क्रेडिट। ओके, तो ये जो तीन है ये बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स है। अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा गौर और करें तो एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगी, जैसे क्रेडिट में हमने लिखा है गोज आउट, क्रेडिट में हमने लिखा है गिवर और क्रेडिट में हमने लिखा है गेन्स। इसका मतलब क्रेडिट ऑल थ्री जीज, ये आपको याद रखने में आसानी होगी कि तीनों चीज जो है, देखिए गोज आउट, गिवर और गेन, इनको हमने क्रेडिट किया हुआ है। गेन का उल्टा लॉस होता है उसको डेबिट किया, गिवर का उल्टा रिसीवर होता है उसको डेबिट किया, गोज का उल्टा कम्स होता है, गोज आउट का उल्टा कम्सन होता है उसको हमने डेबिट किया हुआ है। इस तरीके से हमारे ये बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स हो गए हैं, जिसमें हर जो तीन चीज़ है उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। ओके, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। देखते हैं, पहला जो एग्जांपल है वो है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या है, क्या हम बिल्डिंग को छू सकते हैं? बेशक। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी हमारी, बिल्डिंग विल गो अंडर रियल अकाउंट। ओके, तो बिल्डिंग मेरी हो जाएगी रियल अकाउंट। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे दिया है एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बट ऑब्वियस बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक नाम है बैंक का, तो वो चले जाएगा पर्सनल अकाउंट के नीचे। और नॉमिनल अकाउंट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो रेंट मतलब भाड़ा जो हम लोग देते हैं, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, अभी वापस देखते हैं, जैसे एग्जांपल राधा दिया हुआ है, राधा ये नाम है, नाम है तो कहाँ जाएगा, इट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। तो राधा को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पर्सनल के नीचे लिखेंगे। लेकिन वही कार का आता है तो कार को क्या आप छू सकते हो, हाँ बेशक, तो कार क्या हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। ओके, सैलरी, सैलरी का मतलब पगार, ये या तो खर्चा होगा हमारे लिए या फिर हमारे लिए इनकम होगा। खर्चा क्यों होगा, क्योंकि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, उस केस में वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो सैलरी को हम लोग लिख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट के नीचे। आगे बढ़ते हैं, जैसे दिया हुआ है हमारे पास एक एग्जाम्पल, मेसर्स जय फर्नीचर। अब ये मेसर्स जय फर्नीचर्स जो है ये नाम हो गया, तो ये चले जाएगा पर्सनल अकाउंट के नीचे। ओके, लेकिन वही फर्नीचर अगर दिया है तो फर्नीचर जिसे हम छू सकते हैं वो चले जाएगा रियल अकाउंट के नीचे। समझ रहा है, फर्नीचर जो है ये मेरी वस्तु है जिसे मैंने हाथ लगा सकते हैं, लेकिन मिसेस जय फर्नीचर जो है ये उस फर्नीचर की दुकान का नाम है, नाम आ गया तो वो जाएगा पर्सनल अकाउंट के पास। अभी फर्नीचर को अगर रिपेयर किया तो ये रिपेयर क्या हो जाएगा, हमारे लिए खर्च हो जाएगा, तो वो चले जाएगा नॉमिनल अकाउंट के नीचे। ओके, आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कैश। कैश तो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो बार बार यूज़ की जाती है। अब कैश, क्या आप कैश को हाथ लगा सकते हैं, बेशक, तो वो मेरी हो गई रियल अकाउंट। तो हम लोग कैश को लिखेंगे रियल अकाउंट के नीचे। अभी देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया होगा बैंक। अब ये बैंक कोई ना कोई नाम से जानी जाती होगी, तो बैंक विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। ओके, लेकिन वही अगर हम फीस की बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। खर्चा है हमारे लिए तो वो चले जाएगा नॉमिनल अकाउंट के नीचे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें है लैंड। अब लैंड का मतलब जमीन, भले ये हमारी फिक्स एसेट है लेकिन इसको हम छू सकते हैं, इसे हम या तो वो हमारे पास आ सकती है, ये मतलब हमारे नाम पे हो सकती है या हमारे
नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर की जा सकती है, तो वो हो गया रियल अकाउंट। आगे देखते हैं, जैसे एक दिया हुआ है श्याम, अब ये श्याम बोला तो ये नाम है, तो श्याम का जो अकाउंट होगा वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ओके, आगे कागज वगैरह देखेंगे, कागज का मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई हमारी नॉमिनल अकाउंट। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विल बी योर नॉमिनल अकाउंट। अब कैसे पता चलेगा कि रियल क्या है और नॉमिनल क्या है, तो हम उसके बारे में जरा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। रियल अकाउंट यूजुअली हमारी एसेट होती है, एसेट मतलब वो जो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, हम उससे कोई ना कोई बेनिफिट बहुत लंबे पीरियड के लिए लेते रहते हैं, वो हमारी एसेट होती है। और एसेट्स यूजुअली हम रियल अकाउंट के तहत लिखते हैं, और रियल अकाउंट बोला तो हम उसे छू सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी एसेट्स है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे कहा जाता है इनटैंजिबल एसेट। अब इनटैंजिबल एसेट का मतलब वो हमारी स्टेट, वो हमारी प्रॉपर्टी जिसे हम छू तो नहीं सकते, लेकिन वो हमें लॉन्ग रन में कोई ना कोई रिटर्न्स दिला के चली जाती है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनटैंजिबल एसेट इज गुडविल। ओके, तो इनटैंजिबल एसेट जरूरी नहीं है कि जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन हर रियल अकाउंट जो है वो हमारा, हम रियल अकाउंट यानी कि हमारा रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, वैसे ही अगर नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल क्या होता है कि उसका बेनिफिट हमें कुछ समय के लिए ही मिलता है, उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर मैंने एक ब्रेड खरीदी, तो ये ब्रेड हम लोग जब लेके आते हैं तो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, इसके ऊपर किया गया खर्चा ये जाएगा हमारे नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो हमें थोड़े से समय के लिए मिला है। लेकिन वही अगर मैं बाज़ार से अवन खरीदती हूँ या फिर गैस खरीदा जाता है, जो आप स्टोव खरीदते हो गैस स्टोव, ये आपकी एसेट हो जाती है, क्योंकि एक बार खरीद लिया तो आप उसका यूज़ बार बार करते जाते हो। लेकिन ये जो ब्रेड खरीदा है उसको आप एक बार कंज्यूम कर लेते तो आप उसको वापस यूज़ नहीं करते हो। आई होप एसेट और नॉमिनल अकाउंट का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। तो विद दिस वी कंप्लीट विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। विल बी मीटिंग यू अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।